कक्षा षष्ठ के सभी भैयाओं को सुप्रभात। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत विषय में तीसरा पाठ तृतीय पाठ शब्द परिचय थर्ड। इससे पूर्व शब्द परिचय फर्स्ट और सेकंड हमने पढ़ा। प्रथम फर्स्ट जो शब्द परिचय था उसमें हमने आकारांत पुल्लिंग शब्दों, सेकंड में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का हमने ज्ञान किया, अध्ययन किया। इस पाठ में चित्रों के माध्यम से आकारांत नपुंसक लिंग शब्दों का ज्ञान कराया गया, जो शब्द न तो पुल्लिंग हैं और न ही स्त्रीलिंग होते हैं, वे जो है नपुंसक लिंग कहलाते हैं। जैसे पुष्पम, पुस्तकम, वस्त्रम, फलम, वनम आदि। जिस प्रकार संज्ञा शब्द नपुंसक लिंग में भी होते हैं, उसी प्रकार सर्वनाम शब्द नपुंसक लिंग में भी होते हैं। जैसे तत्, तानि, एतत्, एतानि। इस पाठ में इसी प्रकार के आकारांत नपुंसक लिंग शब्दों का प्रयोग हुआ है। आइए हम चित्रों के माध्यम से आकारांत नपुंसक लिंग शब्दों का ध्यान करते हैं और पाठ का हिंदी अर्थ जानते हैं। एतत् किम्? एतत् सर्वनाम शब्द जो समीप के लिए प्रकट किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। एतत् किम्? एतत् यानी यह, किम् यानी क्या, यह क्या है, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, खनित्रम, खनित्रम अस्ति। खनित्रम होता है कुदाली, जो खोदने का काम करती है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाली है, या इसको फावड़ा भी बोल सकते हैं, फावड़ा। यह कुदाली है या फावड़ा है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका महिला मजदूर, जिसे कहेंगे मजदूरनी। श्रमिका खनित्रम चालयति, महिला मजदूर जो है कुदाल चलाती है, फावड़ा चलाती है। तत् किम्? तत् दूर के लिए प्रयोग किया गया है। तत् सर्वनाम शब्द, तत् यानी वह, नपुंसक लिंग में तत् का अर्थ वह। तत् किम्? वह क्या है। एक चित्र जो बन रहा है जिसमें चार खम्भे हैं और उस पर जो है पेन से लगा हुआ है और उस पर लिखा है विश्राम गृह, अर्थात आराम करने का घर। विश्राम ग्रह, विश्रमालय, विश्रम धनालय, आराम करने का घर। तत् किम्? वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। तत् किम् अत्र भित्तिकम अस्ति, किम् अत्र भित्तिकम अस्ति। प्रश्न बने क्या यहाँ पर दीवार है। भित्तिकम यानी घेरा या दीवार, क्या यहाँ पर दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। ये सभी नपुंसक लिंग शब्द एक वचन में प्रयोग किया। अब हम अगला द्विवचन में पढ़ेंगे। देखिए आप, एते के, एते यानी ये दोनों नपुंसक लिंग में, एते के ये दोनों, ये दो क्या हैं या ये दोनों क्या हैं। एते अंगुली के स्तः, चित्र में अंगुलियों का की ओर इशारा है। अंगुली के, अंगुली के अर्थात अंगुली के यानी जो अंगुली में पहना हुआ है, अर्थात अंगूठी, इसे कहेंगे। एते अंगुली के स्तः, अंगुली के यानी दो अंगूठियाँ, ये दो अंगूठियाँ हैं। व्यक्ति के हाथ में अंगूठी है और उसकी ओर इशारा करते हैं, एते
के ये दो क्या हैं, एते अंगुलिये के इसते ये दो अंगूठे हैं, सुवर्णकार अंगुलिये के रचयति, रचयति यानी बनाता है, सुवर्णकार सुनार, सुनार दो अंगूठियां बनाता है। अब देखिए आगे, दो बसों के तितली हैं, दूर हैं तो कह रहे ते के, ते वे दो, द्विवचन में इसलिए ते का मतलब वे दो, के वे दो क्या हैं, दूर है इसलिए ते, ते के वे दो क्या हैं, ते बस याने स्तः, बस याने स्तः, बस यानी बस, बस याने दो बस, ते बस याने स्तर, स्तर यानी हैं, वे दो बसें हैं, ते बस याने कुत्र गच्छत, ते बस याने कुत्र गच्छत, वे दोनों बसें कहाँ जाती हैं, वे दोनों बसें कहाँ जाती हैं, ते रेल स्थानकम गच्छत, रेल स्थानकम अर्थात स्टेशन, रेल स्थान को रेलवे स्टेशन, ते रेल स्नातकम, ते रेल स्थानकम गच्छत, वे दोनों रेलवे स्टेशन जाती हैं। इस प्रकार ये सभी वाक्य हमने द्विवचन नपुंसक लिंग के पढ़े। अब बहुवचन के वाक्यों का अध्ययन करेंगे। एतानि कहानी, एतानि कहानी, एतानि यानी ये सब, कहानी यानी क्या हैं, ये सब क्या हैं, नपुंसक लिंग बहुवचन एतानि, एतानि कर वस्त्राणि सन्ति, कर यानी हाथ, वस्त्र यानी कपड़ा, कर वस्त्राणि हाथ में लेने वाला कपड़ा अर्थात रुमाल, एतानि कर वस्त्राणि सन्ति, एतानि यानी ये सब रुमाल हैं, कर वस्त्राणि का अर्थ क्या होगा, रुमाल, ये सब रुमाल हैं, किम एतानि पुराणानि, पुराणानि यानी पुराने, किम एतानि पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं, ना नहीं अर्थात ये पुराने, एतानि तु नूतनानि, नूतनानि यानी नए, एतानि तु नूतनानि नहीं, ये तो नए हैं, ये तो नए हैं, तानि कानि, सामने एक वृक्ष है उसके लिए कह रहे हैं तानि कानि, और वृक्ष पर फल लटके हुए हैं, वृक्ष के में पर जो फल लटक रहे हैं उसकी ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि तानि कानि, तानि यानी वे सब, वे सब क्या हैं, वे क्या हैं, तानि कानि वे क्या हैं, तानि कदली फलानि संति, कदली फल अर्थात केला, कदली फलानि केले के फल, कदली फल केले का फल, कदली फलानी बहुवचन हो गया, कदली फलानी यानी केले के फल, तानि कदली फलानी संति, वे सब केले के फल हैं या केले हैं, वे सब क्या हैं, वे सब केले हैं, किम तानि मधुराणी, क्या वे मीठे हैं, आम, हाँ आम का मतलब होता है हाँ, तानि मधुराणी पोषकानि च, हाँ तानि वे मधुराणी पोषकानि च, च यानी और, वे जो हैं मीठे और पोषक हैं, पौष्टिक हैं, इन बहुवचन, ये जो बहुवचन के वाक्य हैं नपुंसक लिंग बहुवचन में हैं, और हमने जो है इस शब्द परिचय तृतीय में अकारांत नपुंसक शब्दों का अध्ययन किया। आप सभी भैया इस पाठ का वाचन करते हुए इसका हिंदी अनुवाद
अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें और इसके शब्दार्थ भी लिखें। धन्यवाद।